अब इसके बाद आज के दौर में कैसे बात करने हैं अमिताभ बच्चन जी, आज के दौर में परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये मेरे ऑडियंस के तीन स्तंभ है। मैं जो भी बात करता हूं प्यार से और बड़े सम्मान के साथ मुझे बुलाते हैं, शुक्रिया। मैं और मेरी तनाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कितना अच्छा होता, तुम होती तो कितना अच्छा होता, और तुम ना होती तो कितना अच्छा होता भैया, कितना पैसा होता, कितनी बिल्डिंग होती, कितनी प्रॉपर्टी होती भैया। ये हो गया। जो मोहतरमाएं हंस रही है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, क्योंकि यही वो महानुभव हैं जो हमारे शो में स्टार्टर का काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी की शादी होती है तो जो दामाद होते हैं, दामाद, इनका ससुराल में बड़ी इज्जत होती है, बड़ी इज्जत होती है। अच्छा, आप हंस क्यों रहे हो? अच्छा, सब लोग अपने को थोड़ा देख रहे हैं। अच्छा, मेरे यहाँ पे कर दिया है, मैं यहाँ पे इज्जत करते हैं, मेरे चिकन टिका बड़ी इज्जत करते हैं। अब आप लोग ने ये कभी नहीं सोचा कि क्यों करते हैं? कभी सोचा है? करते हैं, उसकी वजह है क्योंकि घर वाले अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं यही वो महानुभव है जिसमें घर में तूफान को रोक के रखा है। मराठी मध्ये असं म्हणतात, कोणीतरी तुमची एकदा जर तुम्हाला धोका दिला तर त्याच्याकडे माणूस पुन्हा कधीही जात नाही। पण काय करणार, क्षमस्व सासूकडे जावं लागलं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी शादी नहीं करते, तो ऐसे मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो पेरेंट्स कहते हैं यार आप आरजे हो, शोज करते हो, यार देखो ना कोई अच्छा लड़का हो। तो मैं क्या देखूंगा अभी लड़का, चलिए ठीक है बताइए आपकी डिमांड्स क्या है। तो बोले देखिए यार लड़का खाता पीता ना, मतलब खाता पीता ना, मतलब बोले नहीं कि मतलब सात्विक भोजन करने वाला, सात्विक पीने वाला ना हो, कोई बुरी आदत ना हो, लड़कियों को बुरी नजर से ना देखे और दिन रात ऊपर वाले को याद करे। मैंने कहा ऐसा लड़का आपको मिलेगा एक जगह पे? कहा सभी भाई जल्दी बोलो। मैंने बोला लीलावती अस्पताल के आईसीयू में। ऐसे लड़के वही मिलते, देखिए वो किसी भी लड़की की तरफ देखेगा, जब बेड से उठ ही नहीं पाएगा तो वहां से देखेगा। सिगरेट शराब तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का मास लगा होगा, बेचारा क्या करेगा, घर वाले सांसें गिन रहे हैं, बेचारे माला जप रहा है, तो बेचारा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। सात्विक भोजन क्या, बेचारा दाल भात ही खाता होगा। यही आपके लिए बेटर है, इसको ले। अच्छा, मेरी वाइफ जो है वो मुझे हमेशा एक बात कहती है, which I always appreciate, वो मुझे हमेशा कहती है मुझे कहाँ ले चलोगे, कहाँ पे वो हस्बैंड है। अच्छा, आप उसे टारगेट मत करो वरना मुझे शाम का खाना नसीब नहीं होगा। वो हमेशा मुझे पूछती है कि हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर हम अंडमान निकोबार आइलैंड चलेंगे। बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि ये तो हो गई 10वीं वाली, अच्छा 25वीं साल की पर क्या करोगे? मैंने कहा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो ये बड़ी कमाल की चीजें होती हैं। ओके,